हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी एक स्पेस एडवेंचर के बारे में है जहां एक शैतान एलियन यूनिवर्स को तबाह करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस विनाश को कौन रोक सकता है। तो मूवी के शुरू में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें ब्लाक नाम की एक ऐसी एलियन प्रजाति रहती है जिनका अपना प्लेनेट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इनका लीडर है ड्रैक नाम का एक सन की एलियन जो अपने असिस्टेंट जेड और बॉडीगार्ड विक्टर के साथ मिलकर एक शैतानी प्लान बना रहा है। पता चलता है कि उसके पास प्लैनेट को नष्ट करने का एक सुपर वेपन है और इसकी मदद से वो यूनिवर्स में फैले प्लैनेट्स को तबाह कर रहा है। आगे का सीन एक दूसरे प्लैनेट वेल्डिन का है जहां हम रैचेट नाम के एक मैकेनिक को देखते हैं। तभी न्यूज में उस प्लैनेट के नष्ट होने के बारे में बताया जाता है और वो देखता है कि कोई एक एक करके दूसरे प्लैनेट्स को भी अपना निशाना बना रहा है। इससे निपटने के लिए प्रेसिडेंट ने अपनी गैलेक्टिक रेंजर्स की टीम को बुलाया है जो फिलहाल अपने लिए एक नया मेंबर ढूंढ रहे हैं। रेंजर्स का लीडर है क्वाक नाम का एक सन की हीरो जिसे अपनी ताकत और इंटेलिजेंस पर बहुत घमंड है। वो लोगों को नए रेंजर्स के ऑडिशन के लिए इनवाइट करता है जो रैचेट के अपने प्लैनेट वेल्डिन पर होने वाले हैं। रैचेट भी क्वाक का बहुत बड़ा फैन है और एक रेंजर बनने के लिए वो खुद भी इस ऑडिशन में जाने का प्लान करता है। इसके लिए वो अपने बॉस ग्रिम से परमिशन मांगता है लेकिन ग्रिम उसे समझाता है कि तुम्हें इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सपने टूटने पर बहुत दुख होता है। लेकिन रैचेट किसी तरह उसे मना लेता है और क्वाक की बताई लोकेशन पर ऑडिशन देने जाता है। अगला सीन ड्रैक के होम प्लैनेट क्वाटू का है जो पोल्यूशन के कारण बर्बाद हो चुका है। ड्रैक विक्टर को बताता है कि इसीलिए वो दूसरे प्लैनेट्स को नष्ट कर रहा है ताकि उनकी बेस्ट जगहों को जोड़कर अपने लिए एक नया प्लैनेट बना सके। विक्टर को डर है कि रेंजर्स उनके प्लान को बिगाड़ सकते हैं लेकिन ड्रैक उसे बेफिकर रहने को कहता है और बताता है कि दो दिन में उनका नामोनिशान मिट जाएगा और तब वो अपने प्लैनेट को आराम से बना सकते हैं। इधर रैचेट ऑडिशन वाली जगह पहुंच जाता है जहां क्वार्क अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा है और लोगों को बताता है कि एक रेंजर बनने में कितना खतरा है। रैचेट भी बड़ी उम्मीदों से ऑडिशन में हिस्सा लेता है लेकिन क्वार्क उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि तुम रेंजर बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। आगे हम ड्रैक को देखते हैं जो अपने शैतानी साइंटिस्ट नफेरियस से मिलने आया है और उसी ने ड्रैक को ये वेपन्स बनाकर दिए हैं। अभी भी वो उसके लिए एक रोबोट आर्मी बना रहा है जिसे उसने रेंजर्स को मारने के लिए प्रोग्राम किया है और ड्रैक को ये देखकर बहुत खुशी होती है। तभी एक ब्लैकआउट होने की वजह से उनका एक रोबोट डिफेक्टिव हो जाता है और ड्रैक विक्टर को उसे डिस्ट्रॉय करने को कहता है। वो छोटा रोबोट किसी तरह वहाँ से बच निकलता है और अपने शिप से रेंजर प्लैनेट की ओर जाने को कहता है ताकि उन्हें ड्रैक के प्लान के बारे में बता सके, लेकिन विक्टर भागते हुए उसके शिप को डैमेज कर देता है। उधर उदास रैचेट वापस अपने गैरेज में आता है और ग्रिम को बताता है कि उसे बड़े सपने नहीं देखने चाहिए थे। उसे अपने रेंजर ना बनने का बहुत दुख होता है और तभी वो देखता है कि एक शिप उनके प्लैनेट पर क्रैश हो गया है। वो तुरंत वहाँ उसे चेक करने जाता है और पता चलता है कि ये उसी छोटे से रोबोट का शिप है जो ड्रैग से बचकर भाग रहा था। रैचेट उसे किसी तरह बचाकर बाहर निकालता है और ठीक करने के लिए अपने गैरेज में ले आता है। जल्दी ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और रैचेट प्यार से उसे क्लैंक बुलाने लगता है। फिर क्लैंक उसे ड्रैक के प्लान के बारे में बताता है कि कैसे वो रेंजर्स को खत्म करने वाला है और रैचेट भी कुछ सोचकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें वॉर्न कर पाए, ड्रैक के रोबोट्स रेंजर सिटी पर अटैक कर देते हैं जिन्हें खुद विक्टर लीड कर रहा है। रैचेट और क्लैंक भी जल्दी ही वहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन देखते हैं कि वहाँ तो पहले से ही लड़ाई छिड़ी हुई है। तभी क्लैन को एक आइडिया आता है और वो शिप में लगे मैग बूस्टर को इस तरह प्रोग्राम करता है जिससे वो ड्रैग के रोबोट्स को अपनी ओर खींच सके क्योंकि उसी की तरह वो सब भी एक खास मेटल से बने हुए हैं। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है और रोबोट्स को अपनी ओर खींचकर रैचेट उन्हें उन्हीं के शिप पर क्रैश करा देता है। विक्टर को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है लेकिन उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। इधर सभी लोग रैचेट और क्लैंक से बहुत इम्प्रेस होते हैं और क्वाक को ना चाहते हुए भी उन्हें रेंजर्स बनाना पड़ता है। ड्रैग भी ये सब देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और नफेरियस से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती के कारण हुआ है और अब मेरा प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। तब नफेरियस उसे बताता है कि हम अभी भी बाजी को पलट सकते हैं और इसके लिए हमें रेंजर्स के बीच फूट डालनी होगी। इसके लिए वह क्वाक को यूज करने की सोचता है क्योंकि बहादुर होने के साथ साथ वो एक नंबर का बेवकूफ भी है। आगे हम रैचेट को देखते हैं जो रेंजर्स के साथ अपनी वेपन ट्रेनिंग ले रहा है और क्लैंक एक दूसरे रेंजर के साथ टैक्टिकल स्पोर्ट में चला जाता है।
जहां हमें पता चलता है कि नेफेरियस भी एक टाइम पर रेंजर्स का ही पार्ट था, लेकिन उसके शैतानी इरादों ने उसे पागल बना दिया और रेंजर्स को उसे टीम से बाहर निकालना पड़ा। फिर क्वाकू ने आगे का प्लान बताता है कि कैसे वो ड्रैग की फैक्ट्री पर अटैक करने वाले हैं और जल्द ही वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। ड्रैग भी कैमरों से उन्हें देख लेता है और उसके रोबोट्स उन पर अटैक कर देते हैं। इसी चक्कर में क्वाक बाकी टीम से अलग हो जाता है और यहाँ एक रूम में उसका सामना ड्रैग से होता है। वो क्वाक से कहता है कि रैचेट ने तुम्हारी इम्पोर्टेंस खत्म कर दी है और जल्दी ही वो इस गैलेक्सी का सबसे पावरफुल हीरो बन जाएगा। वो इसे रोकने में क्वाक की मदद करने का वादा करता है, जिससे लोग हमेशा उसे ही अपना हीरो मानेंगे, और क्वाक भी बिना सोचे समझे उसकी बातों में आ जाता है। उधर रैचेट और बाकी रेंजर्स बचते हुए एक रूम में आते हैं, जहां उन्हें एक अजीब सी मशीन दिखाई देती है। क्लैंक उन्हें बताता है कि ये ड्रैग के सुपर वेपन के प्लान्स हैं और वो प्लैनेट को तोड़कर अपने लिए परफेक्ट प्लैनेट बनाना चाहता है। यही हम ड्रैग को देखते हैं जो विक्टर को लेकर वहाँ से भाग रहा है और जल्दी में होने के कारण अपने साथी जेड को वहीं छोड़ जाता है। रेंजर जेड को पकड़ लेते हैं और उससे उन्हें पता चलता है कि ड्रैग का अगला निशाना एक नोमालिस नाम का प्लैनेट है। वो तुरंत उसे रोकने के लिए निकल पड़ते हैं और यहाँ मौका देखकर क्वाक उनके वेपन सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। तभी उन्हें सामने ड्रैग का शिप नजर आता है और क्वाक कहता है कि पहले मुझे खुद जाकर वहाँ सिचुएशन को हैंडल करना होगा। ड्रैग उससे शिप के वेपन सिस्टम के बारे में पूछता है और उसे प्रॉमिस करता है कि इन सब में उसकी टीम को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर उसके अंदर आते ही वो अपने रोबोट्स को रेंजर्स पर अटैक करने को भेजता है और रेंजर्स भी देखते हैं कि उनके वेपन सिस्टम अचानक से फेल हो गए हैं। वो जानते हैं कि इनके बिना वो रोबोट्स का मुकाबला नहीं कर सकते और ये सोचकर उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। तभी रैचेट को क्वाक का ध्यान आता है और अपनी टीम के मना करने के बावजूद वो उसे बचाने के लिए वापस मुड़ जाता है। यही विक्टर देखता है कि रेंजर्स के शिप में वो डिफेक्टेड रोबोट भी है और वो गुस्से में उसे खत्म करने जाता है। क्लैंक उसे बचकर भागने लगता है और एक छोटी सी जगह पर खुद को छुपा लेता है। तभी एक दूसरी रेंजर विक्टर पर अटैक करने आती है, जिससे वहाँ एक पानी का पाइप टूट जाता है और क्लैंक देखता है कि विक्टर उस पानी से डर रहा है। इससे उसे एक आइडिया आता है और वो विक्टर पर एक थंडर गन से अटैक करता है और बताता है कि तुम शायद मेरी तरह वाटरप्रूफ बिल्कुल नहीं हो। विक्टर खुद को पानी से बचाने की कोशिश करता है और इससे पहले कि वो क्लैंक को हर्ट कर पाए, जंग लगने से उसका खेल खत्म हो जाता है। इधर रैचेट किसी तरह ड्रैग के शिप पर पहुंच जाता है और वहां उस सुपर वेपन को डिसेबल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ड्रैग वहां आकर उसे पकड़ लेता है। यही रैचेट की नज़र क्वाक पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि वो भी इनके साथ मिला हुआ है। फिर वो ड्रैग को समझाता है कि वो इस तरह लोगों की लाइफ से नहीं खेल सकता, लेकिन ड्रैग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने वेपन से नोवालिस को शूट करने का ऑर्डर देता है। वो लोग रैचेट को भी एक पोर्ट में डालकर स्पेस में छोड़ देते हैं ताकि वो ये तबाही अपनी आंखों से देख सके। जल्दी ही नोवालिस नष्ट हो जाता है और बाकी रेंजर्स के साथ साथ क्वाक को भी ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी उसकी नज़र डॉक्टर नेफेरियस पर पड़ती है, जो ड्रैग के साथ मिलकर नोवालिस के एक टुकड़े को हार्वेस्ट कर लेता है। रैचेट भी उड़ता हुआ वापस अपने घर आ जाता है और देखता है कि लोग उसकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और तब ग्रीम उसे समझाता है कि हीरो बनने के लिए बड़ा नहीं बल्कि अच्छे काम करने की जरूरत है और तुम्हें इस वक्त हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। उधर ड्रैग अपने साथी विक्टर को श्रद्धांजलि देता है और कहता है कि अब मैं अपने नए प्लैनेट को देखना चाहता हूँ। जल्दी ही उसका नया प्लैनेट जुड़कर बाहर आ जाता है और पता चलता है कि ये सब उसने अपने डैड के लिए किया है। आगे का सीन गैरेज का है, जहाँ क्लैंक रैचेट को समझाने आया है, लेकिन वो उसके साथ चलने से मना कर देता है और कहता है कि शायद मैं एक रेंजर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। तभी रेंजर्स के बाकी मेंबर्स भी वहाँ आते हैं और उसे बताते हैं कि हम भी किसी न किसी प्रॉब्लम से लड़कर यहाँ पहुँचे हैं, और इससे रैचेट का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। फिर वो लोग उस सुपर वेपन को नष्ट करने का प्लान बनाते हैं और रैचेट कहता है कि इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। उधर क्वाक ड्रैग पर बहुत नाराज होता है, क्योंकि एक तो उसने रेंजर्स को नुकसान ना पहुंचाने का वादा किया था और दूसरा वो डॉक्टर नेफेरियस से मिला हुआ है। तब ड्रैग उसे समझाता है कि बड़ा बनने के लिए सैक्रिफाइस देना बहुत जरूरी है और नेफेरियस उसमें हमारी मदद कर सकता है। ये कहकर वो उसे वहाँ से बाहर भेज देते हैं और ड्रैग अपनी जीत की खुशी में झूमने लगता है। तभी अचानक नेफेरियस उसे एक शिप में बदल देता है और कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है।
उधर ड्रैक का असिस्टेंट जेड भी रेंजर्स के साथ मिल जाता है और वो देखते हैं कि ड्रैक का अगला निशाना एक अम्ब्रिस नाम का प्लेनेट है। क्लैंक बताता है कि इस प्लेनेट के कोर में मेलविम नाम का एक एलिमेंट है और अगर ये ब्लास्ट हुआ तो आसपास की पूरी गैलेक्सी को नष्ट कर सकता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ड्रैक ऐसा क्यों कर रहा है और तब जेड उन्हें बताता है कि ये ड्रैक का नहीं बल्कि नफेरियस का आइडिया है क्योंकि वो रेंजर से अपने इंसल्ट का बदला लेना चाहता है। उधर नफेरियस ड्रैक को घसीट कर एक पोर्ट में डालता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे नए प्लेनेट पर भेजने वाला हूँ। फिर वो अपने सुपर वेपन को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि अम्ब्रिस के नष्ट होने में बस 15 मिनट का वक्त है। रेंजर्स भी अम्ब्रिस प्लेनेट के करीब आ जाते हैं और वहाँ इलेरिस उन्हें अपनी बनाई एक नई डिवाइस दिखाती है। इस डिवाइस से वो रैचेट को क्वार्क के एक होलोग्राम में बदल देते हैं और वो क्लैंक के साथ ड्रैक के शिप में चला जाता है। वहाँ रैचेट सुपर वेपन के कोर को डिसेबल करता है और क्लैंक उनका सिस्टम हैक करके शिप के बाकी डिफेंस वेपन को डिसआर्म कर देता है ताकि वो उनके शिप पर बाहर से अटैक कर सके। एलियंस को भी जल्दी इसका पता चल जाता है और वो ये सब जाकर नेफेरियस को बताते हैं जो ब्लास्ट से पहले यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। इधर क्वार्क भी रैचेट को देख लेता है और तुरंत उसे वहाँ रोकने पहुँच जाता है। वो क्वार्क से इस धोखे का कारण पूछता है और इस पर क्वार्क कहता है कि तुमने पहले ही मेरा सब कुछ छीन लिया है और अब मैं तुम्हें और मनमानी नहीं करने दूंगा। ये कहकर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और रैचेट उसे समझाता है कि नफेरियस तुम्हारा यूज कर रहा है और तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। क्वार्क को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो अपने टोर्नेडो लॉन्चर से उन्हें कैद करने की सोचता है। तब रैचेट उसे नफेरियस की असलियत बताता है कि कैसे वो अम्ब्रिस को उड़ाकर इस पूरे गैलेक्सी को नष्ट करना चाहता है और अगर फिर भी तुमने उसका साथ दिया तो इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तभी क्वार्क के पास रैचेट का फैन कार्ड उड़ता हुआ आता है और वो समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर वो उन्हें बचाकर वापस नीचे लाता है और कहता है कि मैं एक हीरो कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। तभी उन्हें ढूंढता हुआ नफेरियस वहाँ आता है और बताता है कि तुम लोगों ने मेरी कभी कदर नहीं की और आज मैं इसका बदला लेकर ही रहूँगा। फिर वो अपनी लेजर गन से उन पर अटैक कर देता है और उनके लाख कोशिश करने पर भी क्वार्क खुद को उनसे नहीं बचा पाता। यही दूसरे रेंजर्स अपने शिप का मैग बूस्टर एक्टिवेट करते हैं ताकि सुपर वेपन को खींचकर दूसरी तरफ मोड़ सके और उनका ये प्लान कामयाब हो जाता है। नफेरियस भी किसी तरह सुपर वेपन को फायर कर देता है लेकिन उसकी बीम अम्ब्रिस को मिस कर जाती है और धीरे धीरे ड्रैक के प्लेनेट की ओर बढ़ने लगती है। ड्रैक भी अपने शिप रूप से वापस नॉर्मल रूप में आ जाता है और तभी वो बीम उसे और उसके प्लेनेट को नष्ट कर देती है। इधर रेंजर्स शिप को खींचकर अम्ब्रिस के एटमॉस्फेयर तक लाते हैं जहां फ्रिक्शन की वजह से वो जलने लगता है। नफेरियस भी अपने प्लान के फेल होने से बहुत नाराज होता है और इससे पहले कि वो क्वार्क को खत्म कर पाए रैचेट वहां आकर उसे बचा लेता है और नफेरियस सुपर वेपन के कोर में जा गिरता है। बाकी रेंजर्स को लगता है कि उनके साथियों की जान खतरे में है लेकिन वो तीनों एक टेलीपोर्टर की मदद से वहां से बच निकलते हैं और वापस अपने शिप पर आ जाते हैं। क्वार्क रैचेट को उसका फैन कार्ड वापस करता है और कहता है कि अब तुम इस पर प्राउड फील कर सकते हो। आगे वो लोग अपनी सिटी में वापस आते हैं जहां क्वार्क का डिमोशन हो गया है और वो सबसे अपने किए के लिए माफी मांगता है लेकिन उसका एटीट्यूड जरा भी कम नहीं हुआ। गैलेक्सी के बाकी लोग भी उनका वेलकम करने आते हैं लेकिन वो देखते हैं कि रैचेट उनके साथ नहीं है। पता चलता है कि वो वापस अपने गैरेज में आ गया है क्योंकि उसने ग्रीम से प्रॉमिस किया था कि वो अपने सभी काम निपटा कर ही जाएगा। तभी उससे मिलने क्लैंक वहाँ आता है और कहता है कि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। रैचेट भी उससे प्रॉमिस करता है कि जरूरत पड़ने पर हम रेंजर्स की मदद करने जरूर जाएंगे और ये कहकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। एंड सीन अम्ब्रिस प्लेनेट की क्रैश साइट का है जहाँ रोबोट ने नफेरियस को बचा लिया है लेकिन वो भी अब एक रोबोट बन चुका है। वो कहता है कि मैं इसका बदला लेने जरूर आऊंगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।